हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। कैसे हैं फ्रेंड आप? आई होप ठीक ही होंगे, घर में होंगे, सेफ होंगे। तो प्लीज़ फ्रेंड, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फ्रेंड, आज के टॉपिक पर, आज का टॉपिक है कि बच्चों के दांत निकलते समय क्या सावधानियाँ रखें। इसके बारे में मैं जानकारी आज आपको दूँगी। बच्चों के दांत निकलना एक आम बात है, हर बच्चे के दांत निकलते ही हैं। जब बच्चा 6 से 7 महीने का हो जाता है तो उसके दांत निकलना शुरू हो जाते हैं। किसी किसी बच्चे के दांत देरी से भी निकलते हैं, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो जब बच्चे के दांत निकलते हैं तो वे अधिक चिड़चिड़ा, अधिक ज़्यादा रोता है और कमज़ोर भी हो जाता है। ऐसे में हमें क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए? बच्चे के दांत निकलते समय उसे कई प्रकार के संक्रामक रोग भी हो जाते हैं, जैसे दस्त लगना, बुखार आना, पेट में कब्ज होना, जिससे बच्चा अधिक चिड़चिड़ा हो जाता है और कमज़ोर भी हो जाता है। तो इस समय हमें क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए? तो सबसे पहले तो अपने घर का फर्श साफ रखना चाहिए। अगर घर का फर्श साफ क्यों रखना चाहिए? क्योंकि घर बच्चा जो भी खिलौना ज़मीन पर गिराता है उसे मुंह में देता है। अगर घर का फर्श साफ नहीं होगा तो बच्चे के मुंह के अंदर कीटाणु जा सकते हैं। इसलिए आपको आपका घर का फर्श साफ रखना चाहिए और बच्चों के खिलौनों को गर्म पानी से ही धोना चाहिए। और अब मैं बताऊंगी कि बच्चों को क्या खिलाएं ऐसा जिससे उनके दांत निकलते समय की समस्या ना हो। तो बच्चे को आप खिचड़ी, दलिया, सेब का रस, अनार का रस और अंगूर का रस, संतरे का रस दे सकते हैं। रस को आपको ऐसे देना है कि बच्चे को ठंडक ना पहुँचे। अगर आपके बच्चे को ठंड पहुँच रही है तो आप रस को हल्का सा गर्म या गुनगुना करके बच्चे को पिला सकती हैं, जिससे आपके बच्चे को ठंडक नहीं पहुँचेगी। तो मेरी बेटी भी जब छोटी थी तो मैं उसे यही सब देती थी, जिससे उसके दांत निकलने की समस्या में से मुझे छुटकारा मिला और बेटी को इतनी परेशानी भी नहीं हुई। तो फ्रेंड्स चलिए, तो अब मैं बताती हूँ कि और आप क्या क्या पिला सकते हैं बच्चे को। आप बच्चे को शहद भी लगा सकते हैं मसूड़ों पर, और शहद में तुलसी का रस मिलाकर भी बच्चे को पिला सकते हैं। आप बच्चे को गाजर और बिस्किट भी दे सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सख्त और मुलायम होते हैं, जिससे आपके बच्चे को परेशानी नहीं होगी खाने में। आप बच्चे को गाजर का रस भी दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ फ्रेंड, आपको अगर मेरी जानकारी अच्छी लगती हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए फ्रेंड, बाय बाय।